सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल तो आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का ही डंका बज रहा है। दरअसल जब से ललित मोदी ने सुष्मिता के साथ रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट की है, तब से ही दोनों हर जगह छाए हुए हैं। ललित मोदी ने सुष्मिता सेन के साथ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके अपने रिलेशन का ऐलान किया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई किस्म की बहस शुरू हो चुकी है। दरअसल आम लोगों के साथ साथ सुष्मिता सेन के फैंस को उनका ललित मोदी के साथ रिश्ता जोड़ना जरा भी रास नहीं आ रहा है। वो इस जोड़ी को बेमेल करार दे रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी सिर्फ दो ही वजहें हो सकती हैं। पहली तो दोनों के दरमियान उम्र का फासला, और दूसरी वजह खूबसूरती का। बात की जाए उम्र की तो ललित मोदी मौजूदा समय में करीब 59 साल के आसपास हैं और सुष्मिता अभी 47 साल की हैं। मतलब दोनों की उम्र में 12 साल का फासला है। हालांकि दिल के मामले में शायद ही कभी कोई उम्र पर नजर डालता है। संजय दत्त और उनकी पत्नी मान्यता दत्त की जोड़ी, सैफ और करीना की जोड़ी, शाहिद और मीरा राजपूत की जोड़ी, आप गिनते रह जाएंगे लेकिन ये गिनती कम नहीं होगी। ये वो कपल हैं जिनके दरमियान काफी ज्यादा उम्र का फर्क है, बावजूद इसके वो एक अच्छी भली जिंदगी साथ में बसर कर रहे हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि लोग शायद शक्लो सूरत की बुनियाद पर ललित और सुष्मिता के रिश्ते को कोस रहे हैं। सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन अगर प्यार को मापने का पैमाना सूरत से किया जाने लगे तो हो सकता है कि ज्यादातर लोग कुंवारे ही रह जाएंगे, क्योंकि खूबसूरती तो सिर्फ कुछ पल की ही होती है। और ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है कि जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार और सूरत ही काफी नहीं होती। आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियों के ख्वाबों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। फिर चाहे मजदूर लाख खूबसूरत क्यों ना हो, बस यही हाल यहाँ भी है। हाँ, एक बात जो इस रिश्ते को थोड़ा सा विवादित बनाते हैं वो है कि ललित मोदी भारत में ब्लैक लिस्टेड है। जी हाँ, सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स रहकर जहाँ देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया, तो वहीं ललित ने देश के अंदर ही रहकर कई बड़े घपले किए और फंसने के डर से लंदन में शरण ले बैठे। ललित मोदी फिलहाल लंबे वक्त से लंदन में ही रह रहे हैं। आईपीएल में हुए विवाद और कई आरोपों से घिरे होने के बाद ईडी ने उनके खिलाफ जांच शुरू की थी और वो भारत छोड़ गए थे, जिसके बाद भारत ने ललित मोदी को भगौड़ा घोषित कर दिया था। हालांकि इस मामले को देखते हुए भी दोनों के रिश्ते पर सवाल खड़ा करना बचकाना होगा, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में हमें कोई लेना देना हरगिज नहीं होना चाहिए। बहरहाल भारत सरकार 2010 से ही ललित मोदी के हवालगी की कोशिश कर रही है, लिहाजा अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दोनों की शादी के बाद क्या ललित भारत आते हैं या फिर सुष्मिता खुद भी उनके साथ ताउम्र के लिए लंदन में बस जाती हैं।